बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के दुर्लभ इंटरव्यू से। दरअसल एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, क्या है पूरी खबर मैं आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना मत भूलिएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के भक्त शिरोमणियों को बहुत बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो किसी भी तरह का कोई अध्यादेश राम मंदिर पर लाने नहीं जा रहे हैं। यानी बहुत बड़ी खबर दोस्तों निकलकर सामने आ रही है और बीजेपी की ओर से इस बात को क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी तरह का अध्यादेश अब राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं आएगा। यानी ये बहुत बड़ी खबर उन सभी लोगों के लिए है जो बीजेपी से आस लगाए बैठे हैं कि राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बनाएगी। दोस्तों इस खबर के अंदर हम आपको बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज यानी 1 जनवरी को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारी बड़ी बातें बोली है, क्या कुछ कहा है उन्होंने और सभी सारी जानकारी हम आपको इस चैनल पर लगातार देते रहेंगे। लेकिन अभी की ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर एक तरफ कुंभ के मेले का आयोजन भारतीय जनता पार्टी कर रही है कहीं साधु संतों को खुश करने के लिए, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी का बयान अब उनके ही खिलाफ जाता हुआ नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहीं ना कहीं ऐलान कर दिया है कि अब वो अध्यादेश नहीं लाएंगे राम मंदिर के मुद्दे पर। दोस्तों ये बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले। आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय इस खबर पर जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट का मैं लगातार रहेगा इंतजार। जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों भाइयों बहनों मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।